दिखाया जाता है कि हमारे सुकंद भाई और मेरा जी जो बैठे हैं हमारे पीछे, उन दोनों ने इस गाने को चार चांद लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है और निधि ने मेरे साथ में इस गाने को गाया है। तो ओवरऑल ये गाना सब लोगों ने मिलकर इस गाने में काम किया है, तब जाकर एक खूबसूरत गाना और एक खूबसूरत वीडियो बना है। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा एक्ट किया है। और वो कहता ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा के लिए याद रह जाती है, तो ये उन गानों में से एक गाना है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, जो मेरी जबान पर हमेशा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना गाकर और इनके साथ में दोनों तीनों के साथ में काम करना, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा खुशी है इतना सुंदर एक प्रोजेक्ट का पार्ट बन के और सलमान के साथ गा करके, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सलमान सबके फेवरेट हैं, मेरे भी बहुत शुरू से ही फेवरेट ही हमेशा से थे। और हम सबको पता है कि सलमान के लिए अच्छे से इधर से ध्यान नहीं होता जल्दी, तो आई से मैं एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, बहुत लेकिन मुझे इतना डर भी लग रहा था क्योंकि उनके साथ गाना था। बट आई नो ऊपर वाले सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और फिर जब हमने वीडियो गाना तो बहुत ही अच्छे से हो गया था, आपको पता ही था अच्छे से हो जाएगा। वीडियो जब देखा ना ओवरऑल कितना मज़ा आया सर और मैम ने, क्या बहुत मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत थैंकफुल इसके लिए इसका पार्ट। तो हमारा शूट तो मुंबई में ही हुआ, फिल्म सिटी में। तो जब नागेश जी और जो हमारे डायरेक्टर हैं नूर, नागेश जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, और नूर आए थे मेरे घर पे उससे मिलने, तो उन्होंने कहा कि ये जो गाना है हमको थोड़ा इंटेंस चाहिए, तुम बहुत चॉकलेट बॉय टाइप के हो, तो तुम ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उनको डाउट था। फिर बोला मुझे, मतलब थोड़ा हाइप किया प्रोजेक्ट को कि सलमान गाने वाला है तो गाना इस लेवल का होगा, हमको लार्जर देन लाइफ गाना चाहिए। बट इसके शूटिंग में हम शायद लार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचा गाएगा वो, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, पावरफुल था। तो दे वांटेड कि जब लड़की मरेगी तो वो जो सारे सीक्वेंसेस है वो मैच होने चाहिए, विजुअल और ऑडियो मैच होना चाहिए। तो सर चाहते थे कि जब रोए तो वो एकदम ऐसे लगना चाहिए कि हाँ मरी है लड़की और वो सच में प्यार करता है। एंड तो ये सारा प्रेशर था मेरे ऊपर। फिर मैं आयरा से मिला तो इतनी खूबसूरत लड़की है, तो मैंने बोला कि यार लड़की खूबसूरत, जो सलमान ने गाना गाया है वो खूबसूरत, अभी सिर्फ मुझे इस पर परफॉर्म करना है और मुझे भी ये खूबसूरती बाहर लानी है कि सबको लगे कि यार सब जस्टिफाइड है, सब ने अच्छा काम किया है। एंड आई डिड माई बेस्ट, जो जितना मैं कर सका, तो मेरा तो 100% था। अभी अगर आपको 100% लगे तो ग्रेट, नहीं लगे तो फिर नहीं। आपका 100% है, आपका 1000% अच्छा। सॉरी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि मुझे ऑडियो, मुझे सॉन्ग इतना पसंद आया था जब मैं डायरेक्टर से मिली थी, डायरेक्टर सर से मिली थी एंड प्रोड्यूसर से इनसे साथ में ही मिली थी मैं, एंड फिर हम इनके घर इनसे मिलने गए एंड सारे स्टोरी उन्होंने सुनाया कि ये होगा, सो आपका जो कैरेक्टर होगा वो काइंड ऑफ लेडी डॉन कैरेक्टर जो मोस्ट वांटेड है और पुलिस उसकी खोज में है। सो जब मैंने सुना तो इट वॉज रियली लाइक कि हाँ, मुझे लगा कि यार इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। एंड फिर मेरे शूट हुआ, इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस टू वर्क विथ ऑल द आर्टिस्ट एंड ऑल क्या आर्टिस्ट ऑल द आर्टिस्ट मीन्स की लाइक और भी थे, सर भी थे, हाँ सर भी थे, काफ़ी लोग थे। हाँ एंड मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मुझे गाना बहुत पसंद है, like audio is really nice, so I love this song, I love your voice. Yeah, मैंने बता दिया, सबसे पहले बोनी उससे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ मतलब ये जो गाना है इसमें जो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए बहुत इंटेंस लव स्टोरी जो होती है उस टाइप का गाना है, तो जैसे स्टोरी चल रही है तो एक्चुअली ऐसे गाने फिल्मों में होने चाहिए।
क्योंकि मुझे पर्सनली इस टाइप के गाने बहुत पसंद है एंड लव सॉन्ग तो ऑफकोर्स लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है आजकल जो जनरेशन है और लोगों को बहुत कनेक्ट करता है गाना तो या बस हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में ही कभी कभी कुछ लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है और कभी तो पूरा शूट कंप्लीट कर लो आप कभी दोस्ती नहीं होती तो हमारा ये उनका जो नेचर है आप देख सकते हो सबके सामने बहुत पॉजिटिव है बहुत वॉर्म है एंड तो पहली मीटिंग में वो पॉजिटिविटी आ गई और जो भी गाना था तो मेरे लिए काफ़ी आसान था सिर्फ मैं उन्हें देखता था स्माइल करता था और ओके हो जाता था ठीक राइट तो हमारे जो प्रोड्यूसर है नागेश जी वो बहुत पैशनेट है अपने प्रोजेक्ट को लेके अपने वीडियोस को लेके उनका जो विजन है वो सिर्फ वीडियोस तक सीमित नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्में बनाना चाहते हैं तो जो पैशन वो उस फिल्म तक अभी पहुँचे नहीं है वो वीडियो में निकालते हैं तो जब वो मुझे स्टोरी बता रहे थे आई रियलाइज़ कि यार यहाँ पे ना 19-20 नहीं हो सकता यहाँ पे 20-21 करना पड़ेगा क्योंकि उनकी बहुत क्या बोल सकते हैं ड्रीम्स थे इसलिए तो वो ट्रू ड्रीम भी नाम रखा है तो जो सब जो आदमी सपने लेकर आपके पास आता है ना उसका आप दिल नहीं तोड़ सकते तो आई सॉ दैट पैशन आई सॉ कि यार वो चाहते हैं कि उनका हर वीडियो हर गाना बेस्ट से भी बेटर हो और अगर वो एक्टर ढूंढ रहे हैं परफॉर्मर ढूंढ रहे हैं उसे भी उतना ही अच्छा काम करना पड़ेगा तो ये सब सोच कर समझ कर हम इस सेट पर गए टाइम पर गए ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो 5 बजे का टाइमिंग दिया था सुबह को भी मुझे भी पता है हम इतने सालों से इंडस्ट्री में 5 बजे किसकी शूटिंग स्टार्ट हुई बट लगा कि चलो अभी नए प्रोड्यूसर है नहीं जाएंगे टाइम पे उनको लगेगा एक्टर्स अनप्रोफेशनल है फिर वो नेक्स्ट टाइम कुछ और बनाने से पहले 10 बार सोचेंगे तो हमने भी इंडस्ट्री का नाम रखने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ किया ताकि प्रोड्यूसर को लगे कि हाँ इंडस्ट्री साफ है यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं थैंक यू बार वो ऐसे मतलब धीरे धीरे वो लेवल पे भी पहुंचे
सिर्फ कंपनी लेवल नहीं है, ये लोगों को गाने से कनेक्ट करने के लिए लेवल है. और मेरे पेरेंट्स, मॉम एंड डैड, मैंने उनको देखा है स्ट्रगल करते हुए, देखा है कि कैसे गाँव से आए और यहाँ पे मुंबई में आए, लोगों के अपना एक पूरा एम्पायर टाइप ऑफ बनाया है. और मैं आई एम सो प्राउड कि मेरे पापा ने ये अकेले किया है विदाउट सपोर्ट. सबको पता है कि मेरे पापा पापा है. और बहुत अच्छा लगता है मुझे बताने के लिए लोगों को कि जब मैं पहली बार मिली मुझे बहुत अच्छा लगा. और उनका जो गाने का नॉलेज है वो इनफिनाइट है. तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ कि इस गाने को बहुत सारा प्यार है. और जो थोड़ी सी मैं मेरी आदत अब ये भी उसको बहुत लव एंड सपोर्ट और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिला है. तो आई होप कि इससे इस सॉन्ग को भी बहुत सारा प्यार मिलेगा आपसे. और हाँ, बहुत बहुत प्राउड फील करती हूँ. और मतलब पापा मतलब ड्यूटी के बाद ड्यूटी के बाद नहीं चाहिए ना, ये सब देखते हैं. कुछ वैसी हो गया है कम से कम. बस सर, एक्चुअली क्या है ना, सर हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं. हम सर पे कितनी भी गलतियाँ करते तो सर का ये नेचर है कि छोटे भाई की तरह हमको क्या ना ट्रीट करते हैं, हमको मौका देते हैं. अभी हमसे गलतियाँ होती है, सारी सी बात हर एक से होती है, लेकिन सर क्या है ना, हमको छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं. अगर सर ना होते तो गाना मतलब शूटिंग के टाइम में पॉसिबल नहीं है. क्योंकि सर असल में क्या है ना, मैंने बहुत प्रोड्यूसर के साथ मैंने काम किया है, उनको क्या है ना, उनको चीज़ों की समझ है, उनको नॉलेज है. ये सिनेमा लवर है अंदर से, है ना, इनके अंदर एक बहुत बड़ा एक्टर है कहीं ना कहीं, मैं तो बोलूँ. मजाक नहीं है, मतलब आपने देखा ना कैसे परफॉर्म किया है. मतलब पहली बार कैमरा को फेस करना मतलब आसान नहीं है. आपको तो पता ही है, मतलब बड़े बड़े एक्टर भी रीटेक रीटेक सर का कोई रीटेक ही नहीं है. वन टेक सर ने इतना मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा सर क्या काम कर रहे हैं. आप समझ रहे हो ऐसा, मतलब बस सर का हाथ है हमारे ऊपर, तो हम चल रहे, मौका दे रहे सर हमको. अभी एक और भी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं सर जब बोले इंशाल्लाह. हाँ, बस कास्टिंग में मैंने की है तकरीबन 100 के आसपास की, 80 सीरीज के लिए, जी के लिए, सारे कमा के लिए, सब के लिए की है. बाकी अब ये डायरेक्शन मेरा एज ए चौथा या पांचवा है प्रोजेक्ट. एक शॉर्ट फिल्म भी किया था मैंने, नो ड्रग्स, वो ड्रग्स पे है ना, छोटे बच्चे लोग जो ड्रग्स के ऊपर चले गए उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, नो ड्रग्स नाम था उसका. बाकी इसके पहले गाना बनाया, उसके पहले दिल्ली वाली लड़की बनाया. बाकी एक और प्लान करें इंशाल्लाह बहुत जल्दी. नहीं सर को मैं क्या है ना, प्रोफाइल भेजता हूँ पहले, तो मैं कास्टिंग करता हूँ, फिर डायरेक्शन वाला पार्ट बाद में आता है. सर को मैं प्रोफाइल भेजता हूँ, सर ये अच्छी है, सर ये अच्छा है, सर ये अच्छी है, सर ये अच्छा है. फिर सर मतलब वो आता है ना, मतलब राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट ही ज़्यादा जाता है, मतलब राइट बहुत कम जाता है. लेकिन जिसको ओके करते हैं वो फिर सेट पर वन टेक देता है, ये बहुत बड़ी बात है. शूटिंग मेडालियन में किया हमने, अभी 10 दिन पहले ही किया शूटिंग, कोई लंबा नहीं, 10 दिन पहले ही किया. बाकी सर देंगे तो हम करेंगे बहुत जल्दी. इसके बाद मेरा एल्बम आ रहा है तेरे वास्ते, तेरे वास्ते जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगा. वो भी एक रोमांटिक गाना है. इसलिए मैंने बोला सर जब बोलेंगे तभी करेंगे. पहले तेरी आदत की, ये महीना माने ना, उसके बाद
अभी तेरे वास्ते पहले तो मैंने गाना देखा, गाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वो एक बोलते हैं ना कि जो इंसान डाउन टू अर्थ होते हैं तो ऊपर वाला उनको और इज्जत देता है, तो ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और नूर भाई का तो आप लोग पता है, वी कैरी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स। तो मैं तो दुआ करूँगा कि जो प्रोजेक्ट आप लोग साथ में कर रहे हो उसको चार चांद लग जाए और अच्छे लेवल पर जाएगा। जी गाना बहुत अच्छा लगा, हर इंसान चाहता है कि ऐसा प्यारा गाना करे, हर इंसान का विश होता है, ड्रीम होता है। और आजकल हर तरीके के गाना बन रहे हैं, बट ये जो गाना है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, सबने बहुत ही मेहनत की है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सब लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें। नहीं, गाने का डायरेक्शन बहुत प्यारा था, मतलब बहुत उम्दा डायरेक्शन था हमारे भाई की तरफ से। यह हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है और लिरिक्स भी इन्होंने लिखा है, यमी इरफान अली। अपने पूरे इंडिया, जनता, पब्लिक तक अगर दिल से निकले और पहुँच जाए तो मैं समझता हूँ कामयाबी है सबकी। जैसे कि आप न्यूज के एक बिजनेस पॉइंट पर हो सकते, लेकिन बात दिल से निकले, दिल तक जाए, तो वो फिर कामयाब समझते हैं। सही बात। मैंने एक्चुअली राइटिंग भी मैंने की है और ये कंपोज भी किया है, तो इंटेंशन मेरा ये था कि कुछ अपना एक क्लासिकल टच भी रहे, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल धीरे धीरे खत्म होता है, वो एक थोड़ा सा आगे आया। और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल भी रहेगा ना, और गाने में बात होती एक के हिंदुस्तानी क्लासिकल टच भी से और राग जाएंगे फिर, तो वो सोच के मैंने कम्पोजिशन सुनाई। और मैंने अपने डायरेक्टर नूर साहब को सुनाई, और प्रोड्यूसर सर को, मतलब कुछ भी मैं बनाता हूँ, मैं ट्रू ड्रीम पे हूँ, तो कुछ भी बनाता हूँ, नागेश भी लंबा है सर को सबसे पहले सुनाता हूँ। और हमारी प्रोड्यूसर इमोनी नागेश कमेंटी मैं खड़ी हूँ वहाँ पर, तो उनको भी सुनाता हूँ, तो बहुत पसंद आया सर। हमने कहा ठीक है, लेट्स गो, हमें जाते हैं इसमें, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। फिर नाना माने, पर मुझे लगता है मेरी आंखों की बात तो फिलहाल सब मानते हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे वो कहीं भी हो। और फिलहाल हमें इनके नैनो की बात माननी पड़ेगी, सॉन्ग लॉन्च है नैनो ना माने का, एंड इट्स सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग। और नूर जी ने बहुत अच्छा काम किया है, एंड हिज डायरेक्शन इज फैबुलस। मैंने गाना आने से पहले दो बार देखा अच्छे से, ईच एंड एवरी मूवमेंट, एंड जो भी आपने डायरेक्ट किया इतनी बेहतरीन तरीके से, मैंने वो सारा अच्छे से देखा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द होल टीम ऑफ नैना ना माने। नैना ना माने के डायरेक्टर नूर जो है, नूर भाई हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। गाना मैंने सुना, सलमान की आवाज़ बहुत ही प्यारी है, तो गाना बहुत अच्छा है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये गाना बहुत सक्सेस करे। मैंने तो आज ऑलरेडी कमेंट कर दिया कि गाना सुपर हिट है, तो मेरी दुआ है, मेरा साथ सलमान और नूर भाई के साथ में है। स्टार का बहुत अच्छा है और बहुत ही प्यारा है, तो मुझे लगता है जो नई जनरेशन है उसके लिए एक रोमांटिक पनी के हिसाब से गाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना प्यार लोगों ने हमारे गाने को दिया है, उतना ही प्यार नूर भाई के गाने को दिया। काफ़ी अच्छा है, जो स्टार कास्ट है बहुत ही खूबसूरत है, और जो हमारे नूर भाई हैं मैं उनको 3-4 साल से जानता हूँ, काफ़ी मेहनती इंसान है, और उन्होंने गाना काफ़ी अच्छा डायरेक्ट किया। मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि गाना और आगे जाए और नूर भाई ऐसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाते रहे। जी बहुत सही लगा, मुझे भी गाना अच्छा लगा। और जैसे समीर भाई अपने भूल गए कि नूर भाई को मैं भी जानता हूँ, इन्हीं के थ्रू जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल से कास्टिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर तक का सफ़र उनका हमने देखा है, और काफ़ी मेहनती इंसान है वो। और गाना तो देख, खैर मैंने इतना अच्छे से नहीं देखा या सुना है, बट जितना सुना है उतना मुझे बहुत अच्छा तो लगा है। और बाकी जो भी बोलेंगे हमारे ईशान भाई बोलेंगे, इनका रिटेक पिटारे में अभी कुछ नहीं है, पिटारे में साफ होता हूँ अभी फिलहाल। मैं फोकस कर रहा हूँ मेरे बिजनेस पे, इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ आने वाली है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मेरे आने वाले हैं, नहीं कोई बात, लेट्स सी, देखते हैं प्रोजेक्ट आ सकता है नेक्स्ट ईयर। थैंक यू।
बंद कर रहा हूं भाई, तुम बोलो। स्पेशली आई एम इन लव विद द वॉइस ऑफ सलमान एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई थिंक गाने को बेहतरीन सिंगर का बहुत बड़ा हाथ होता है गाने को बेहतरीन बनाने में एंड आई थिंक हु इज बेटर देन सलमान एंड रिसेंटली उन्होंने एक रियलिटी शो किया है विच इज़ बहुत अच्छा गया वो रियलिटी शो एंड आई सॉ ऑल द एपिसोड्स बट ये गाना में जो उनकी वॉइस है वो एक अलग ही निखर के आ रही है एंड आई रियली वॉन्ट कि मैं अगले बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स करूँ। सैड तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, थोड़ा सा रोमांस वाला जरूरी है स्पेशली मेरे गानों में, थोड़े से कुछ नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा भाई वो तो ऑडियंस के ऊपर है कि वो उनको रोमांस नहीं किसी का चाहिए। थैंक यू सर, यार वो सलमान अली बहुत अच्छा सिंगर है और मेरा छोटा भाई भी है, जो डायरेक्टर है वो भी मेरा छोटा भाई है नूर सिद्दीकी। सलमान अली को भेजो, सलमान अली को भेजो। थैंक यू भाई, हाँ सर सलमान अली बहुत अच्छा सिंगर है, मेरा छोटा भाई है, नूर भी बहुत अच्छा डायरेक्टर है। देखो यार मैं मेरे दोस्तों को सपोर्ट करने आता हूँ इसलिए आया हूँ, गाना भी बड़ा अच्छा है और कुछ अभी सब पूछ तो लिया यार। आई विश देम ऑल द लक, उनका गाना अच्छा है चलेगा और लोगों को देखना चाहिए, नए लोगों को भी सराहना चाहिए और वो रुस्लान मुमताज पुराना एक्टर है वो अच्छा एक्टर है, अच्छा काम किया। जैसा सर ने कहा सर की एक एक बात को मैं कहना चाहूँगा सेम टू यू, सर को कहूँगा बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने और एजाज भाई का यही जलवा है कि जिस महफिल में जाते हैं उस महफिल का एजाज बन जाते हैं, शान बन जाते हैं, जान बन जाते हैं, एक नंबर मानस। एक जमाना था कपिल शर्मा को अगर किसी ने पानी पिलाया है असल जिंदगी में और स्क्रीन पे वो ये आदमी है और मैंने देखा वो, और लोगों ने भी देखा है ये बात और है। ये भी कपिल की तूती बोल रही है, विश हिम ऑल द लक, इज गुड इज नाइस बट आई लाइक दिस गाय वेरी मच, ही इज आल्सो नंबर वन मानस। और इस एल्बम के लिए कहूँगा सर कि बहुत ही अच्छा एल्बम है, म्यूजिकल है, सलमान अली अपना इंडस्ट्री का सलमान अली भाई जो है मैं कहता हूँ बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है, सलमान नाम का बंदा है मगर शादीशुदा है तो और उन्होंने गाना गाया क्योंकि उनके नैन ना माने तो नैन मटकता हुई गया, तो सलमान अली को शिवा भाई को उनकी पूरी टीम को रुस्लान को रुस्लान मुमताज जो हमारी वेटरन एक्ट्रेस अंजना मुमताज जी का के सपुत्र हैं और पूरी टीम ही बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारे लोग हैं, आप सब लोग अपने माध्यम के जरिए जितना उनको प्रमोट कर सकते, जैसे आपने मेरी फिल्में भी की है, गाली गलौज फिल्म आपने पिछली बार प्रमोट की थी जो रिलायंस एंटरटेनमेंट पर है, डॉन सिनेमा पर है, SRK म्यूजिक पर है, सुनील पाल कॉमेडियन ऑफिशियल सुनील पाल ऑफिशियल पर है और अब मेरी आने वाली फिल्म है कॉफ़ी विथ अलोन। कॉफ़ी विथ अलोन करण जौहर से तो कोई संबंध नहीं है, कॉफ़ी विथ अलोन एक फिल्म है जो आपको बड़ा मज़ा आएगा, सेंसर में गई हुए वापस आएगी, जब आपको मैं प्यार भरी इन्विटेशन भेजूंगा आप जरूर आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, आप सब जीव हजारों साल यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं। एजाज खान और सुनील पाल, लव यू ऑल। एजाज भाई, एजाज सो ऑब्वियसली गाना मेरी फ्रेंड नूर पे है, रुस्लान पे है, तो बहुत अच्छा है, नूर ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है, इट्स वेरी नाइस एंड आई रियली लव इट एंड ऑल द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक नूर सिद्दीकी सर फॉर डायरेक्टिंग अ सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और आवाज़ तो सलमान की बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, कम्पीट कर रहे थे बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, थैंक यू फॉर इतना अच्छा गाना अपलाए। I just want to congratulation this Dream Music and Salman Ali and entire team of this music video. Music song is very nice and very soothing. सुनने में अच्छा लग रहा है और अब इन लोगों का मैंने पहले तो स्क्रीन नहीं देखा है बट बोथ सलमान एंड नूर सो इनका स्क्रीन भी काफ़ी अच्छा है। बाकी चीज़ें तो बोल ही दिया है, डायरेक्ट किया गया है और पूरा फीचर मेहनत वगैरह बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है।
पहले तो सबको सबको नमस्कार। अभी ये जो एल्बम अभी रिलीज हुआ आज महीना माने ना, इसके बाद टू ड्रीम म्यूजिक कंपनी अगला एल्बम है उसका नाम है तेरे वास्ते। तो वो गाना एक रोमांटिक गाना है और उसमें काम करेगी हमारी हीरोइन एक्ट्रेस आचक जैन जो आपके सामने बैठी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारी टू ड्रीम म्यूजिक की तरफ से तेरे वास्ते की हीरोइन आज मैं अनाउंस करता हूँ और तेरे वास्ते जल्दी एक रोमांटिक सॉन्ग आपको सबको देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू। काम बहुत पहले से ही दूसरे सॉन्ग पे चालू था तो हम लोग काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं उस पर एंड मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी से नेक्स्ट मंथ हम लोग लेके बहुत खूबसूरत सा दूसरा सॉन्ग भी आपके सामने लाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार नूर के साथ सर के साथ इरफान सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। ये हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है 15-20 डेज से पहले से हमारा काम स्टार्ट हो गया। अभी सर जब भी बोलेंगे सर। इरफान भाई एक दो लाइन अगर आप गाना है हाँ 15 जुलाई के आसपास शूटिंग जल्दी चालू हो और इसके म्यूजिक डायरेक्टर इरफान आगे और इसके मेरे वास्ते के जो डायरेक्टर है अपने नूर भाई है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। इरफान भाई एक लाइन गा के सुना तेरे वास्ते जो हम शूट करने वाले हैं अभी तेरे वास्ते। एक लाइन हाँ रोमांटिक कंपोजिशन पे कंप्लीट होने वाला है और शूट भी हम अभी उसके सिंगर हमने डिसाइड अभी हम करेंगे बट अभी हमने हिमांडी थॉट अल्ताप सैयद जी को रखा है फिलहाल में जो अभी आए थे लेकिन अभी मौजूद नहीं है किसी कारण बस चले गए। तो मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर हूँ बट आप लोगों के लिए एक लाइन गा के सुना या वो दे सकता हूँ एक छोटा सा अब तुझ में ही दुनिया मेरी अब तुझ में मेरे वास्ते ले लिया एक छोटा सा वाह क्या बात है। थैंक यू सर।